नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति किताब में कुछ ऐसी नीतियों को बताया है जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। तो उसमें से एक नीति ऐसी भी है जिससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, सुखी पूर्वक जी सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक साहसी मनुष्य को अपने पराक्रम का पुरस्कार अवश्य ही मिलता है। जो व्यक्ति साहस करके कार्य को संपूर्ण करने की नहीं सोचते हैं, उनका जीवन अधर में ही लटका रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह साहस करके अपने पराक्रम को पूरा करे और आगे बढ़ करके कार्य को सफल बनाए। जो व्यक्ति कार्य की सफलता को नहीं सोचते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। पहले से ही नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए, सकारात्मक का से अपने कार्य में लग जाना चाहिए और सफलता को प्राप्त करने की ही सोचनी चाहिए और तरह तरह के रास्तों को ढूंढना चाहिए जिससे कि आप अपने कार्य को सफल बना सके। इसलिए आदमी को अपना साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साहसी मनुष्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं, असफलताएं उनके जीवन का अंग नहीं होती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा साहस पूर्वक सोच समझकर अपने कार्य को आगे ही बढ़ाने का सोचना चाहिए, सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि आप सिंह की गुफा में जाएंगे तो वहां पर आपको गजमुक्ता मिल सकता है, जो कि एक काले रंग का बड़ा मोती होता है। इसलिए यदि आप किसी गीदड़ की मांद में जाएंगे तो आपको वहां पर सिर्फ गाय की पूंछ या गधे के चमड़े के कुछ टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप साहस करके सिंह की गुफा में गए तो आपको मोती मिल सकते हैं, और यदि आप गीदड़ की मांद में जाएंगे तो आपको गाय की पूंछ और गधे के चमड़े के टुकड़े, अर्थात आपको बेकार की चीजें ही मिलेंगी जो आपके काम की नहीं होंगी। इसलिए मनुष्य को अपनी मंजिल तय करने के लिए सर्वप्रथम मंजिल तो बनानी ही पड़ती है। यदि आपको मंजिल पाना है तो आपको सकारात्मकता और साहस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए मनुष्य किसी जगह जब साहस करता है तो सब कुछ महत्वपूर्ण ही प्राप्त करता है। खतरे से जूझकर बचाव की नीति पर आगे बढ़ने वाला कायर पुरुष कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात वह इसको प्राप्त करने में असमर्थ ही रहता है, कभी भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को साहसिक कार्य करते हुए ही महत्वपूर्ण उपलब्धि करने की सोचनी चाहिए। व्यर्थ में ही नकारात्मकता अपने जीवन में न डाल करके अपने कार्य को और मंजिल को संपूर्ण बनाने का ही सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा कि साहसी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए आपको साहसी और बुद्धिमानी से अपने कार्य को करना चाहिए। यदि आचार्य चाणक्य की यह बात आपको अच्छी लगी हो तो जिनका आप भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।